भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतनधारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम। 15वां सर्ग। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्र पीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थीं। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जल पूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के राज्य में जैसे अभिषेक सामग्री का संग्रह
होना चाहिए। राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं, सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्रीराम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृतांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुत्स नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही, सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूं, तुम श्री राम को शीघ्र यहां बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्तामणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी।
वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दुर्दर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्रीराम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबके उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ लोहे की चद्दर या सीकचों से बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल काय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी।
वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ तथा हाथियों के साथ वहां आई थी। सुमंत्र ने उन सब को एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 16वां सर्ग। सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। पुरातन वृतांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्रीराम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षक थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्रीराम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने
हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकई के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नर श्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकई दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकई मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। मेरी माता कैकई राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहां पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहां से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहां सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गईं। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हो और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकल कर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं,
उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशाल काय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुरु से विभूषित हो खड़ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। वे नारियां श्री राम के हृदय वल्लभा सीमंतनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्रीराम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि ये सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए ये महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिंगाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथिनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचा खच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थीं तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे।
वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। सीता के सत पावन राम सदचित आनंद करते राम। सीता के सत पावन राम सदचित आनंद करते राम। दशरथ नंदन